हाय फ्रेंड्स, मैं आज डबल लेयर का बाजू बनाने जा रही हूँ। आप इसे देखें और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। ये हमने बाजू की कटिंग कर चुकी हैं। ये हमारा नीचे का लेयर होगा और ये हमारा उसके ऊपर का लेयर होगा। दो लेयर है मेरे पास। ये हमने बाजू का जो नीचे वाला लेयर है उसका लेंथ लिए हैं 8.25, और इधर का भी लेंथ हमारा उतना ही रहेगा 8.25। और फिर इसे हम गोल कर देंगे और इसे बाजू के अनुसार काट लेंगे। जैसे ये हमारा बाजू है तो इसके अनुसार ऐसे करके, ऐसे इसे मैच करके काट लेंगे। ये हमारा जो गोल कटिंग है इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया, हाफ करके ऐसे गोल बना दिया ना। और हम इसका ये जो कोड है इसे फोल्ड, ऐसे करके फोल्ड कर देंगे और उसके बाद हम बाजू में इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद में लैस लगाना, तो लैस इसे इस तरह से लगाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने ये इसको ऐसे चला लिया और इसके ऊपर से उल्टा तरफ से ही हमने इस लैस को ऐसे देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा एक तैयार हो चुका है, अब हम इसी तरह से चारों को तैयार करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हमने बड़ा वाला का दोनों लेयर तैयार कर लिए हैं और ये छोटा वाला का दोनों लेयर तैयार कर लिए। अब हम इसे बाजू में लगाएंगे। कैसे लगाते हैं वो आप देखें। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने ये बाजू ले लिया है। इसके ऊपर नीचे हमने छोटा वाला लेयर रखा है, देख सकते हैं आप, और इसके ऊपर हमने बड़ा वाला लेयर रखा। छोटा वाला बड़ा वाला लेयर का दोनों हमने सेंटर यहाँ पे रखा और फिर इसका जो एक पार्ट है इसे आगे की तरफ रखेंगे। इस तरह दोनों को मैच करके इसे यूं बिठाकर आगे की तरफ सिलाई करेंगे। सिलाई आपको बहुत बारीकी से करनी है। उसी तरह हम ये दूसरे वाले बाजू में भी सिलाई चलाएंगे। सिलाई चला ले, इसके ऊपर से हम यहाँ पे चाप चलाएंगे ताकि हमारा बाजू अच्छे से बैठ जाए। ये हमने चाप ऐसे चला लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस पे चाप चलाया है और हमारा ये दो लेयर है इस पे हमने लैस लगाया जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और हम इसे इस तरह से ऐसे बैठाकर दोनों पर सिलाई चला लेंगे, दोनों बाजू पर। एक बाजू को मैंने ऐसे तैयार कर चुका है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और फिर हम इसे आपको सीधा कर दिखाते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा बाजू तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।